के सामने रखते हैं तो आप वो ऑब्जेक्ट है, और जो उस तरफ उतने ही डिस्टेंस पे बनती है वो आपकी इमेज होती है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और जो मिरर के थ्रू बनती है वो क्या होती है, इमेज। अब अगर आप ये कैंडल को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे मूव करके भी देखेंगे, सपोज मैंने कैंडल को और दूर कर दिया, तो ऑब्जेक्ट इधर जितना दूर होगा इमेज उतनी दूर ही मिरर के बैक साइड होगी। सो आप जिस भी तरीके से इस कैंडल पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहे, डिस्टेंस चेंज करके, डायरेक्शन चेंज करके, सेम रिजल्ट आपको दिखेगा उसकी इमेज पे। तो आई होप ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई है, इट्स अ वेरी सिंपल एक्टिविटी। हम इस एक्टिविटी को एक डिफरेंट एक्टिविटी के फॉर्म में भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चेस बोर्ड लिया है और बीच में एक मिरर लगा दिया है। ये चेस बोर्ड यहां पर खत्म हुआ और यही मैंने मिरर लगा दिया। अब होगा क्या, ये तो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये तो मेरा ऑब्जेक्ट है और ये जो बनी है ये इमेज है, राइट। इसकी इमेज यही बन जाएगी, बट अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये वाला जो मैंने यहां पर एक रखा है चेस बोर्ड का, एक मैंने यहां पर ये ऑब्जेक्ट रखा है, अब जैसे ही मैं इसको यहां पर रख रही हूं, पीछे इस ऑब्जेक्ट की क्या बन गई है, इमेज बन गई है।